नमस्ते, मैं मालविका। फिर कुछ रोचक बेहद दिलचस्प किस्से लेकर आई हूँ नोबेल प्राइज विजेता कैलाश सत्यार्थी जी के। जी हाँ, और ये जिस जगह मैं आज बैठी हूँ ये मेरा भाग्य है कि मैं यहाँ बैठ पाई। क्यों? जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर कैलाश जी बैठे थे और उन्हें खबर मिली थी कि उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो है ना, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जगह। जी हाँ, तो चलिए आज ऐसी ही कुछ और बहुत नैतिकता से जुड़ी हुई एक कहानी आपको बताती हूँ कैलाश जी के जीवन की। कैलाश जी यही कोई 16-17 वर्ष के होंगे, SSL स्कूल में विदिशा में उनका दाखिला हुआ। पहले छोटे स्कूल में पढ़ते थे, जब वो इस बड़े स्कूल में आए जहाँ और भी अधिकारियों के बच्चे पढ़ते थे तो उन्होंने महसूस किया कि ये बच्चे तो बड़े रुआब में आते हैं। लाल बत्ती वाली गाड़ी, जी हाँ, उस समय सबके पास लाल बत्ती हुआ करती थी और सरकारी आदमी के पास जिसके पास लाल बत्ती वाली गाड़ी होती थी उसका रुतबा ही अलग होता था। तो लाल बत्ती वाली गाड़ी में कई बार हूटर बजते हुए टों 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 बच्चे स्कूल में आते थे और कैलाश जी अपने दोस्तों के साथ देखते थे और यही सोचते थे कि ये तो कोई बात नहीं हुई, भाई सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी परिवार के लिए नहीं है, सरकारी गाड़ी है सरकारी अफसर के लिए, वो ऑफिस जाएं, वो कहीं अपने काम से जाएं, ये क्या बात हुई भाई कि सवेरे सवेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने आ रही है। फिर थोड़े समय बाद उन्होंने जब पता लगाया तो पता चला कि ये गाड़ी सिर्फ स्कूल बच्चों को छोड़ने नहीं आती, मैडम को लेकर शॉपिंग के लिए भी जाती है, मैडम को पिकनिक में भी लेके जाती है, मंदिर भी जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, कहीं भी जाना है तो सरकारी गाड़ी का ही प्रयोग होता था, जिसको कैलाश जी अपनी भाषा में दुरुपयोग कहते थे। जी हाँ, दुरुपयोग ही हुआ, क्योंकि ये जो सारा कुछ है सरकारी गाड़ियों का चलना, उसके पीछे जो जनता है, आम जनता जो टैक्स पे करती है उसी का पैसा जाता है। तो ये उस बाल बुद्धि में इतना ज़्यादा भर गया कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ सलाह की और उन्होंने बोला ये बंद करना चाहिए, जो कि जायज़ भी था, पर कैसे करें कैसे करें। एक युक्ति उनके दिमाग में आई, उस समय विदिशा में मेला लगता था और मेला लगता था तो सब देखने जाते थे और सब में सरकारी अफसर भी जाते थे, सरकारी अफसरों के घर के लोग भी जाते थे, कुछ इधर के पास पड़ोसी सब जाते थे। तो इन्होंने तय किया कि कुछ ना कुछ करना है मेले में, और दिन था रविवार का। बहुत बढ़िया दिन था क्योंकि उस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है मेलों में। तो मेले में ये गए, पहले देख लिया पार्किंग में कितनी लाल बत्ती वाली गाड़ियां हैं, अपने दोस्तों को बुलाया और एक योजना बनाई। जब मेला थोड़ा खत्म होने को आया, रात 8:30-9 का समय था, जाने का समय हो गया, सबके सब जाके पार्किंग में लाल बत्ती वाली गाड़ियों के सामने लेट गए, किसी से कुछ नहीं बोला। अरे, पुलिस वाले ने कहा ये क्या हो रहा है भाई, हटो, गाड़ियां निकलनी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम नहीं हटेंगे। ड्राइवर, पुलिस वाले सब खड़े हो गए, भाई ये सब ये गाड़ियों के सामने सरकारी गाड़ियां हैं, आपको पता नहीं है सरकारी गाड़ियों के सामने इस तरह से आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कोई आंदोलन कर ही नहीं रहे, हम नहीं हट रहे यहां से, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक DM आके हमें ये ना कहें कि सरकारी गाड़ियां सिर्फ सरकारी अफसर प्रयोग में लाएंगे, उनके परिवार वाले इसको प्रयोग में नहीं लाएंगे। अरे भाई ये कोई बात हुई, अरे सरकार ने गाड़ी दी है, हम और हमारा परिवार तो एक ही हुआ ना, ऐसे भी बहुत सारे तर्क थे। पर कैलाश जी और उनके दोस्तों ने ये तय कर लिया कि जब तक DM आके ये नहीं कहेंगे कि कल से सरकारी गाड़ियां सरकारी जो ऑफिसर्स हैं वहां पर अफसरों को ले जाने के अलावा कोई और जगह नहीं दिखेंगी, तब तक हम नहीं हटेंगे।
बहुत बहुत मशक्कत की सबने, समझाया अरे चलो जाने दो कुछ नहीं होता, पर वो अपनी इस बात पे अड़े रहे। और अड़े रहे इसीलिए डीएम को आना पड़ा और ये उनको आश्वासन देना पड़ा कि अब इन गाड़ियों का दुरुपयोग नहीं होगा, सदुपयोग ही होगा। और तब ये सब दोस्त वहां से हटे। और आप यकीन मानिए उसके बाद विदिशा में सरकारी गाड़ियों का इस तरह का दुरुपयोग बिल्कुल बंद हो गया। तो इसका पूरा श्रेय जाता है कैलाश जी को। यानी बहुत सीधी सी बात है कि नैतिकता जो है उसके लिए आवाज उठाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कोई चीज गलत हो रही है और हम उसको अनदेखा कर दें सिर्फ इसलिए कि उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, तो ये तो सही नहीं है भाई। किसी ना किसी को तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, और इसी फर्क को जान लेना और इसी फर्क से चीजों को ठीक कर देना ही कैलाश सत्यार्थी है। जी हाँ, यही काम वो करते रहे हैं और करते रहेंगे। आगे भी और बहुत सारी इस तरह की कहानियां हैं जो मैं आपको उनके बारे में सुनाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।